आपने बाजरा लेना है हाथ में, तो सबसे पहले इनको दिखाना है। तो ये देखें, ये फौरन से ऊपर चढ़ जाएंगे। और निकल आया, ये एक और निकल आया माशाल्लाह। तीन चार हो गए आलू और दो पैसे ही निकल गए थे। मदर आलू को दोबारा से लगा देते हैं, तो देखते हैं अगर ये और उगेगा, दोबारा उगेगा कि नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमारे चिक्स पर सेकंड व्लॉग है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चूज़ों को ऊपर लेकर आ गए हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने चूज़ों को कैसे टेम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इनको खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह से दोस्तों, जब भी हम इनको खोलते हैं तो ये उछल के बाहर आते हैं। तो चलें दोस्तों अब इनको खोलते हैं, तो आप ये देखना कैसे बाहर आते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि इनको आपने टेम कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी खाने वाली चीज़ लेनी है, तो ये हमारे पास दाना है, इसमें से हम थोड़ा सा दाना निकालते हैं। मेरे पास तो फिलहाल दाना है, आपके पास कोई भी खाने वाली चीज़ हो, रोटी वगैरह कुछ भी आप हाथ में अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने दाना पकड़ लिया हाथ में। अभी तो ये फिलहाल वहाँ से कुछ खा रहे हैं, तो ये देखें अभी ये आएंगे तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने बाजरा लेना है हाथ में, तो सबसे पहले इनको दिखाना है। तो ये देखें, ये फौरन से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये देखें कैसे ये दाना, सबसे पहले तो आपने इनको भूखे रखना है थोड़ा सा, तो जिधर की तरफ आप बाजरा लेकर जाएंगे तो ये फौरन उसी की तरफ आ जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैं खुद आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ करूँगा, तो ये देखें माशाल्लाह ये ऊपर चढ़ गए। तो आप इनको रोज़ाना एक या दो बार इस तरह करेंगे तो ये खुद ही आपके हाथ के टेम हो जाएंगे। इस तरह आप इनको जहाँ भी चढ़ाएंगे तो ये चढ़ जाएंगे। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार चूज़े टेम नहीं हो सकते, या वो बड़े होके पकड़े नहीं जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे होके पालते वक्त उनको पकड़ सकते हैं, तो वही वैसे ही उनको फिर बड़े होके भी आदत डलेगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये तब के ऊपर चढ़े हैं मेरे। तो इसी तरह आप भी अपने चूज़ों को टेम कर सकते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार चूज़े भाग जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं लगते, उसी तरह ही वो बड़े हो जाते हैं वैसे ही उनको आदत डलेगी। तो यार जैसे ही आप उनको आदत डालेंगे तो वैसे ही उनको आदत डलेगी। तो सबसे पहले हम इनको नीचे छोड़ते हैं और अपनी मुर्गियों को खोलते हैं। तो दोस्तों मुर्गियों को खोलने से पहले हम अपने ये सबसे पहले चूज़े बंद करते हैं, तो इनको इस तरीके से। और हाँ याद रखिएगा, आपने ज़्यादा अपने चूज़ों को पकड़ना नहीं है, जितना आप उनको कम पकड़ेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, यानी उनकी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों मुर्गियों को हमने खोल लिया है। आज दोस्तों पूरे आसमान में बादल हुए हैं, बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली, थोड़ी बहुत निकल रही है लेकिन बाद में फिर बादल उसके सामने आ जाते हैं सूरज के। अरे अरे चलो भागो यहाँ से। तो दोस्तों आपको ये आलू के पौधे दिखाने थे, ये इसके आगे एक बैग पड़ा था, ये बिल्ली की वजह से हुआ कुछ, उसने यहाँ पर गड्ढा करके कुछ आलू निकाल दिए हमारे, तो छोटे छोटे थे, तो वैसे इसकी वजह से ये पौधा भी हमारा ख़राब हो गया। तो अभी हम देखते हैं, मजबूरन हमें इसको खाना पड़ेगा। तो ये कुछ हद तक ठीक है पौधा, देखते हैं ये कब तक सर्वाइव करता है। तो इसके नीचे ये माइट्स भी लगे हैं छोटे छोटे, आप ये देख सकते हैं, इनको कीड़े कहते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं, इसको खींच के निकाल के देखते हैं हमारे कितने आलू बने, अभी देखते हैं। पौधा तो वैसे ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो इसको खींचना पड़ेगा। तो ये देखें जनाब, ये रहा आलू। तो अभी ये दो तीन लग रहे हैं मुझे, तो एक ये छोटा सा, तो बाकी ये वाला थोड़ा सा छोटा है और ये वाला सही है। इसका साइज़ भी तकरीबन 1 से 1.5 इंच है, तो मेरा नहीं ख्याल और आलू होंगे। तो अभी ये पौधों को हम उतार देते हैं, ये तो ख़राब हो गए हैं तो इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं अब। तो अभी देखते हैं कि हमें और आलू मिले कि नहीं, फ़िलहाल के लिए तो यही है, अभी और देखते हैं। मुझे नहीं लगता और मिलेंगे। अरे एक मिनट, अरे वाह ये तो एक और मिल गया। मैं समझ रहा था कि बस यही है, लेकिन ये तो और निकल आया, ये एक और निकल आया माशाल्लाह। तीन चार हो गए आलू और दो पैसे ही निकल गए थे, अब शायद ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जिस जगह पर पौधा होता है उसके इर्द गिर्द ही आलू बनते हैं। तो खैर जब तक ये ज़िंदा है तब तक इसको हम चलाएँगे, इस पौधे को। तो ये आलू अभी हम इकट्ठे करते हैं,
ये इसका मदर आलू है जिससे हमने आलू उगाया था, ये वो वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आलू किस तरह से जुड़ा होता है। इसकी जड़ हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, आलू इस तरीके से, इस तरह से जड़ के साथ जुड़ा होता है। खैर, जितने भी आलू लगते हैं इन जड़ों के साथ ही लगते हैं। अभी हम इकट्ठे कर लेते हैं। ये आलू हमें मिले और ये इसका मदर आलू, इसको दोबारा लगा देते हैं। कोई पता नहीं, अगर ये उगना होगा तो उग जाएगा, लेकिन ये जो सूखे पौधे हैं ये हम निकाल देते हैं और इस मदर आलू को दोबारा से लगा देते हैं। तो देखते हैं अगर ये और उगेगा, दोबारा उगेगा कि नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये देखें जनाब, ये हमारे चार आलू, वो भी घर के बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो अभी इनको ताले के पास रखते हैं। मुर्गियों को हमने डाइट शाइट डाल दी है इनकी, तो अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो चले अभी मुर्गियों को बंद करते हैं। चलो चलो। तो यही तक थी आज की हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो, हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।